वेलकम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। दोनों ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका हमारे पास डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर गिवन है, तो आप लेट कर सकते हो यहाँ से 2x² प्लस में x माइनस में 3 इक्वल्स टू में t। फिर हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस में 1 dx इक्वल्स टू में dt। अब इस पूरे की जगह पर मैं dt रिप्लेस कर सकता हूँ, तो dt अपॉन में रूट के अंदर आ जाएगा t, क्योंकि हमने इसको t के इक्वल लेट किया है। क्लियर? अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये रूट टी है, यानी कि ऊपर अगर पावर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आसानी से आता होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और नीचे भी वही आ जाएगा, -1/2 प्लस में 1 प्लस का c। अब ये हो जाएगा आपके पास t की पावर, देखो -1/2 प्लस 1 1/2, नीचे भी 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2√t। अब t की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो 2x² प्लस में x माइनस में 3 प्लस का c, ये आंसर आ जाएगा। था ना बिल्कुल इजी केस? तो एक बार आप रिवाइज कर सकते हो इसको। अगर आप इसको उस तरीके से यू करना चाहो तो उस तरीके कर सकते हो, लेट पी एक्स प्लस में क्या हो इक्वल्स टू में ए इंटू में DY/DX ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में बी। वो तरीका भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके पास बिल्कुल इजी केस है। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स के नीचे एक बार इसको लिखो, फिर प्लस में 2 के नीचे एक बार इसको लिखो, फिर इसको सोल्व कर दो। अब इसके लिए देखो पुट करते हैं x² -1 = में t। फिर हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का हो जाएगा 2x और -1 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, अपॉन वाला dx इस साइड। अब यहाँ से देखो x dx चाहिए हमें, तो x dx है यहाँ ऊपर, तो इस 2 को उस साइड ले जाओ, x dx इक्वल्स टू में 1/2 dt। तो x dx की जगह पर 1/2 dt रिप्लेस कर दें, 1/2 बाहर निकाल लिया, dt अपॉन में √t, इसको मैंने टी लेट किया है ना, तो √t। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो, ये हो जाएगा 1/2 t की पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी -1/2 प्लस 1 प्लस में c, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 2 और √t। रूट के अंदर t की वैल्यू रख देंगे, x² माइनस में 1, इस 2 से 2 कैंसिल प्लस में c। तो एक पार्ट तो हमने कर लिया सोल्व। अब अगला पार्ट है 2 अपॉन में रूट के अंदर है x² माइनस में 1, तो इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में 2 बार निकाल दिया, dx अपॉन में x² माइनस में 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 dx अपॉन x² माइनस में 1². अब ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू में log x प्लस रूट के अंदर x² माइनस 1 प्लस में c, ये इस चीज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब दोनों को एक साथ लिख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा देखो रूट के अंदर है x² माइनस में 1, प्लस में आ जाएगा 2 log मोड के अंदर x प्लस रूट के अंदर x² माइनस में 1 मोड क्लोज प्लस में c आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।